क्या लगता है कि पाकिस्तान ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या लगता है कि आपको? पाकिस्तान, ठीक है, हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है कि ये जाके वहाँ पे गन डालते हैं पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे मुल्कों में। पाकिस्तान जो भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है। ये मोबाइल के ऊपर ना फेसबुक, ट्विटर, चैटिंग, इंस्टाग्राम जो भी, ये सब बकवास, इसमें इलम नहीं है, ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। नेट बनाया क्यों है अगर इलम नहीं है तो? आपको ना ये गंदी फिल्में देखने के लिए, आप जैसे लोगों के लिए स्टडी है नहीं, और दूसरों पे अटैक। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि उसका मेडिकल साइंस का जो शोभा है ना वो अमेरिका, बरतानिया, ये G7 कंट्रीज के लेवल का है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि मुल्क नहीं मुल्क होता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, जैसे ही एंकर ने पूछा कि इंडिया स्ट्रांग है या पाकिस्तान, झट से इस लड़के ने बोल दिया कि पाकिस्तान। तो वहीं पर एक चाचा खड़े थे, पाकिस्तानी चाचा, उन्होंने इस लड़के की लंका लगा दी। तो चलिए पहले वीडियो को पूरा देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है वो डेली स्वैग का है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या लगता है कि पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर इंडिया ज़्यादा स्ट्रांग है, क्या लगता है कि आपको? पाकिस्तान, पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रांग है। किस हवाले से पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रांग है? तरक्की के लिहाज से। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट बात सुनिएगा। ये भाई कह रहे हैं कि हर ताकत के लिहाज से, हर चीज़ में पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? इससे ये नॉलेज की, हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। अच्छा, क्या है लिटरेसी रेट में सबसे पुअर, नीचे नीचे दर्जे पर है। अच्छा, जब ही हमारा पासपोर्ट जो है ना ब्लॉक हो गया सारी दुनिया के लिए, इसी वजह से कि ये जाके वहाँ पे गन डालते हैं पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे मुल्कों में। सर, सऊदी अरेबिया में भी, सऊदी अरेबिया ने भी, वो तो निकाल रहे हैं, वो तो निकाल रहे हैं, ब्लॉक क्या करो तो निकाल रहे हैं। अच्छा, अब इनसे पूछे, ये लिटिल नॉलेज, ये ना बल्कि एक तो लिटिल नॉलेज होती है ना सर, तो अगर स्टूडेंट है तो बड़ा अफसोस का मुकाम है कि इनकी स्टडी नहीं है। मैं नवाज शरीफ को लेके खाना, या इमरान खान को लो, या किसी बंदे को लो लेके, रब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे नवाज शरीफ सुन रहे हैं। अच्छा, इनसे ही नवाज शरीफ अच्छे हैं। इन्होंने नवाज शरीफ का सवाल नहीं पूछा, जो सवाल पूछा इनसे, एक सवाल पूछे, ये स्टूडेंट है ना, ये G20 और G10 ये किन ममालिक की, इसकी क्या वेरिफिकेशन है कि इनके मेंबर कौन हो सकते हैं G10 के और G20? सिर्फ एक दो सवाल का जवाब दे दें, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। हाँ जी, पता G20 का? नहीं पता। कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? मैं नाइन्थ में। नाइन्थ में पढ़ रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है। चौथी पांचवीं का बच्चा भी है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको पता होगा G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं, 20 बड़े मईशत, ठीक है, 20 अमीर ममालिक, जिसके अंदर इंडिया भी सरफहरिस्त, इंडिया जो है सरफहरिस्त है, और उसका वो डायरेक्टर है IMF। IMF के जो डोनर्स हैं वो G20 के ममालिक हैं, ठीक है। पाकिस्तान जो भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्ज़ा मिलता है, जिसकी वजह से हम आज पिस रहे हैं, जलील ख्वार हो गए हैं, ठीक है। और G10 ये दुनिया के 10 बड़े सनअती तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। क्या है सनअती तरक्की? ये आपके लिए बता रहे हैं ताकि आपकी एजुकेशन में इजाफा हो। यार यहाँ पे ये जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होंगे ना, उनके उस्ताद का जो मियार है ना वो भी इन्हीं की तरह के ही है, जब ये मियार खराब है। उस्ताद को मैं उस्ताद नहीं मानता हूँ, जो नकल मार के जिन्होंने डिग्री ली है, सिफारिश के बेस पे अपॉइंटमेंट हुई है, जब पाकिस्तान का कोई उस्ताद अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कनाडा, वहाँ के किसी यूनिवर्सिटी में या मामूली प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, जाके इंग्लैंड का प्राइमरी स्कूल के उस्ताद का मियार देखें, जुडिशरी और CSS से ज़्यादा सख्त है। नॉलेज को अपने इम्प्रूव, स्टडी करें। ये मोबाइल के ऊपर ना फेसबुक, ट्विटर, चैटिंग, इंस्टाग्राम जो भी, ये सब बकवास, इसमें इलम नहीं है, ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। नेट बनाया क्यों है अगर इलम नहीं है तो? आपको ना ये गंदी फिल्में देखने के लिए, आप जैसे लोगों के लिए, ठीक है। ये हमारे ये 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 उसकी अभी 5 साल पहले ये गूगल हुई है, उसको छोड़े आप, इसमें शादी का क्या ताल्लुक है? गंदी फिल्मों की बातें कर रहे हैं ना। गूगल ने अंकल सीरियस बात कर रहे हैं, इसको मजाक में ना लेके जाएं। मेरे स्टडी है नहीं, और दूसरों पे अटैक। हाँ जी, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अभी इंडिया का एक बता दिया है। हाँ जी, सही बात है।
ठीक है। सर वो ये भी कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ मतलब कि हमारे हर पावरफुल है पाकिस्तान ज्यादा हर चीज के लिए पावरफुल है बताएं किस चीज में हम पावरफुल ज्यादा है इंडिया। अंकल की शादी होगी ना फिर पता लग जाएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है और गंदी ये लॉजिकल बात है ये बिल्कुल इनरेलेवेंट लेवल बात है। शादी हो गई बच्चे पैदा हो गए या मर गए बच्चे पैदा करने में तो पाकिस्तान सबसे आगे है सबसे ज्यादा आबादी वो तो चाइना। आपकी जो टर्मिनोलॉजी है ना जिस तरह आप उर्दू बोल रहे हैं उसे आपका पता लग रहा है एजुकेशन लेवल बिल्कुल जीरो। अभी आपको अंग्रेजी का एक लफ्ज या ग्रामर का टेंस नहीं पता होगा। क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं झक्कू जाता रहता हूं घूमने फिरने के लिए जाता हूं कई मुल्कों में गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बोले तो अभी दफ्तर मेरा पासपोर्ट पड़ा है लाके चेक करा देता हूं। बिल्कुल आप यार बात देखो अंकल अभी रुकिए जरा एक मिनट रुके हम एक मिनट बस चले जाइएगा। जो ना बड़े जो बड़े होते हैं ना बड़े जब आपको तंज भी करे ना समझ लो कि आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। इन्होंने पूरी दुनिया देखी है जी। आप कह रहे हैं स्टूडेंट है आप कह रहे हैं कि शादी नहीं की अभी। बेसिक एजुकेशन मैट्रिक थी ठीक है किसी कॉन्वेंट स्कूल के भी नहीं एसएम नहीं थर्ड डिवीजन का तो नहीं मुझे पता है एसएम लॉ कॉलेज कराची से ठीक है सिंध मदरसतुल इस्लाम ये भी आपको नहीं पता होगा। हिस्ट्री आपने कायदे आजम की भी नहीं पढ़ी है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान भी नहीं पढ़ी होगी ठीक है। और बार एट लॉ लिंकन इन्स लंदन से किया था सही बात है। लिंकन इन्स में बारेट लॉक करने के लिए जो मेरिट है ना वो आप तस्वर नहीं कर सकते। इंग्लैंड का सबसे हाईएस्ट मेरिट वाला इदारा है। सर हमारी मुल्क की लिटरेसी रेट इतना कम क्यों है? सर शौक नहीं है लोगों को इलम शौक से आता है मेहनत से आता है जो ये खैरात में डोनेशन में नहीं मिलता है आप इलम खरीद नहीं सकते हैं। हम यहाँ पर बात इंडिया के मुकाबले करते हैं उनके लिटरेसी रेट देखें दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत बन गई $4 trillion की GDP उनकी। इंडिया का अमेरिका इंग्लैंड मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे मुश्किल शोबा है। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि उसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना वो अमेरिका बरतानिया ये G7 कंट्रीज़ के लेवल का है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं क्योंकि इंग्लैंड में अमेरिका में 3-4 crore रुपया लगता है वहाँ पर 40-50 लोग में लाख में करा के आते हैं ठीक है। यहाँ पर टाइफाइड का इलाज नहीं हो पाता है। आप अपने मुल्क ही बुरा कही जा रहे हैं। मुल्क को नहीं बुरा कर हम लोग बुरे हैं बता रहे हैं हकीकत हकीकत जमीन अल्लाह की है ये दरख्त ये रियलिटी बता रहे हैं मुझे कैमरे मुल्क नहीं मुल्क होता है लैंग्वेज सही यूज करें मुल्क नहीं मुल्क होता है ठीक है। यकीन करो ऐसे टीचर आपको मिल गए ना आप तर के समझ लो। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हाईली क्वालिफाइड इस टीचर से पढ़ा हूँ आधे से ज्यादा टीचर जैसे यूरोपियंस थे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। तो दोस्तों देखा आपने जैसे ही इस पाकिस्तानी लड़के ने जो अपने आप को स्टूडेंट बता रहा था बोला कि जो पाकिस्तान जो है इंडिया से स्ट्रांग है हर चीज़ में वैसे ही इस पाकिस्तानी चाचा ने इसकी लंका लगा दी। उन्होंने बोला कि भारत जो है दुनिया की पाँचवीं बड़ी इकोनॉमी है G20 का मेंबर है और जो है IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है ये सब बताते हुए फिर भी ये लड़का जो है इनकी बातों को मजाक में ले रहा था ठीक है उल्टी सीधी जो है उनको कमेंट्स कर रहा था कि शादी हुई है ऐसा कुछ बोल रहा था लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि वो क्या बता रहे हैं क्या बोल रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान से लोग भारत आते हैं किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए क्योंकि वो अमेरिका और UK नहीं जा सकते वहाँ ज़्यादा खर्चा आता है। तो भारत कितना आगे है टेक्नोलॉजी में या हर क्षेत्र में या लिटरेसी में इसको तुम सोच सकते हो। तो चलिए आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।